मध्य प्रदेश में गरीबों का कोरोना बीमारी से इलाज निशुल्क होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बड़े फैसले का परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्वागत किया है। मंत्री राजपूत खुद ग्रामीण इलाकों में कोरोना रोकथाम के लिए लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि गरीबों, असहायों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए अभी तक जो निजी अस्पतालों में कोरोना संबंधी इलाज कराने में बहुत परेशानी आ रही थी, कई मरीज मुझसे कहते थे कि साहब बहुत इलाज में खर्चा आ रहा है, असहनीय खर्च, उनकी पीड़ा को देखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों की बैठक में निर्णय लिया कोर कमेटी में कि समस्त प्रदेश से कलेक्टरों के लिए निर्देश भेजे जाएंगे कि कोरोना महामारी में भी अब आयुष्मान कार्ड से इलाज संभव हो सकेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश की लाखों करोड़ों जनता के माध्यम से कि ये निर्णय बहुत ही अद्भुत निर्णय है और इससे करोड़ों लाखों उन लोगों के लिए जिनकी बहुत दिल में इच्छा होती है कि मैं अस्पताल में और निजी अस्पताल में, बड़े अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराऊं, उनका इलाज संभव हो सकेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। आपको बता दें कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी विधायक निधि से भी मरीजों के इलाज के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराई है। यही नहीं, मंत्री राजपूत ने सागर जिले के अपने निजी कॉलेज को भी कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया है।